नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का कोडर बाबा में। ये पार्ट 8 है लिस्ट व्यू कंट्रोल का और इसमें हम बात करने वाले हैं इम्पटी डेटा टेम्पलेट की। तो लिस्ट व्यू कंट्रोल में आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं, इनमें से एक टेम्पलेट होता है इम्पटी डेटा टेम्पलेट। ये टेम्पलेट तब काम आता है जब आपके डेटाबेस में कोई भी वैल्यू ना हो, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, आपका डेटाबेस बिल्कुल इम्पटी है। और ऐसे में अगर आप यूजर को दिखाना चाहते हैं कि आपके डेटाबेस में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे इम्पटी डेटा टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। ये बनाया टेम्पलेट होता है। और अगर आपके डेटाबेस में कोई भी वैल्यू नहीं है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसका जो यूज करने का तरीका होता है बहुत ही सिंपल होता है। अगर वैल्यू है तो ठीक है, वो आपको डेटाबेस की जो वैल्यू है वो शो करेगी। अगर वैल्यू नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो इम्पटी डेटा टेम्पलेट पे फोकस करेगा और वहां पे जो भी आपने टेक्स्ट लिख रखा है वो यूजर को डिस्प्ले करेगा। तो चलिए हम इस पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले जो आपने प्रीवियस वीडियो में जो आपने बनाया था सेलेक्ट करने का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसमें आपने बनाया था सेलेक्ट का, तो आप जिस पे भी क्लिक करोगे वो पर्टिकुलर रो क्या हो जाता सेलेक्ट हो जाता था। तो यहीं से हम उसे उठाते हैं, तो यहां पर आ जाते हैं। तो यहां से सबसे पहले तो मैं एसक्यूएल डेटा सोर्स यहां से कॉपी कर लेता हूं और साथ ही साथ जो पूरा का पूरा हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैंने पूरा का पूरा ये कॉपी कर लिया इसे। और यहाँ पर आएंगे जो हमारा पार्ट 6 है, तो यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। तो देखिए बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड है ये हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो डेटा बेस है वो चेंज कर रहे हैं, तो हम वो भी चेंज कर देंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसे थोड़ा सा हम दे देते हैं दिस इज द स्टूडेंट आईडी हो जाएगा, स्टूडेंट नेम क्लास, और यहाँ पर एक और हम बनाएंगे टीडी कंट्रोल इस तरीके से। ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, और इसको हम दे देते हैं एड्रेस के बाद ये है हमारा मोबाइल नंबर। ओके, इस तरीके से ये बन गया। तो यहाँ पर आपको आईडी की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसे चाहे रिमूव कर सकते हैं या फिर आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इसे आईडी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अनावश्यक चीज़ आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से फिर इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये पूरे होंगे 5 कॉलम, तो ये बन गए। अब यहाँ पर आइटम टेम्पलेट, ठीक है, ये सही है। और ये जो आपने सेलेक्टेड टेम्पलेट यहाँ पर जो यूज कर रखा है, तो आपको इसे हटा देना है, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने इसे बना लिया। और अब हम चलते हैं डिजाइन व्यू पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेलेक्ट आपका एसक्यूएल डेटा सोर्स है, इसको आपको करना है फिर से बाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो इस पर मुझे बाइंड करना है, तो न्यू बाइंड करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, अपने डेटाबेस सर्वर का जो नाम है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आके हम एक टेबल सेलेक्ट करेंगे। पहले तो हम डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जो हमारा डेटाबेस है वो है डेमो। ओके, यहाँ पे कर लिया। ओके, यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे डेमो कनेक्शन स्ट्रिंग 3 है इसका नाम। और नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ से आपको टेबल सेलेक्ट करनी है। तो इस बार जो टेबल ले रहा हूँ मैं एक्स वाई जेड, ये टेबल है। ठीक है, अगर मैं आपको डेटाबेस दिखाऊं तो मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है एक्स वाई जेड, ये टेबल। इस टेबल में इनिशियली कोई यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, ये इम्पटी है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है एक्स वाई जेड और इसका हमें सब कुछ चाहिए। ठीक है, ए टू जेड। और यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे किया टेस्ट, तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो इसे कर देते हैं फिनिश, और इसे किया मैंने यस। ठीक है, तो ये मैंने इसे बाइंड कर दिया। और व्हाट हैपन, इसे हटाइए, और यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को ही मिलेगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पे चलते हैं, दिस इज द डेटा सोर्स 1, ये इसकी आईडी है डेटा सोर्स 1, तो इसे हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। और यहाँ पे डेटा सोर्स 1, और इसमें एक काम ये करते हैं, यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक और डिजाइन व्यू पे चलते हैं। यहाँ पे जो आपका आईडी है इसको हम कर देते हैं प्राइमरी की। ठीक है, इसे हमने कर दिया प्राइमरी की। यहाँ पर हम आएंगे तो इसका जो की नेम होगा वो होगा सिंपली आईडी, ये आपका हो जाएगा की नेम। ओके, टेम्पलेट में आपको क्या क्या दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है 1 2 3 4 5 चीजें दिखानी है। तो पहला कहाँ से आएगा, वो आएगा आईडी से, दूसरा आएगा नेम से, और तीसरा आएगा वो है क्लास, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे क्लास लिखेंगे। चौथा आएगा एड्रेस से, तो ADDRES एड्रेस। और यहाँ पर हमें एक और लेना है ना, तो एक और हम इसे कॉपी कर लेंगे। तो ये किया हमने इसे कॉपी, और यहीं पर हम इसे क्या कर देंगे पेस्ट। और हमें ये जो लिंक बटन है इसकी ज़रूरत तो है नहीं, इसे हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पेस्ट किया हुआ है ये है आपका मोबाइल। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने ये ले लिया। अब यहीं पर हमें क्या यूज करना है, हमारे पास एक और टेम्पलेट है, आप देख सकते हैं। तो ये पूरे जो आप देख रहे हैं ये पूरे टेम्पलेट है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पर आप एडिट टेम्पलेट आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एडिट के लिए। तो ये है आपका हमें यूज करना है इम्पटी डेटा टेम्पलेट, यहाँ पर हमें यूज करना है, ठीक है। इम्पटी डेटा टेम्पलेट हम ये यूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपका डेटाबेस इम्पटी हो तो उस केस में आपको क्या करना है, तो पहले तो हम टेबल बना लेते हैं, और टेबल के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे एक रो। ओके सॉरी, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपको करना है कॉपी, ये आपको टेबल पे लगाना है, ठीक है। तो टेबल का एक क्लास दे देंगे यहाँ पे, और जो ये जो TR है, इस TR का जो क्लास होगा वो होगा यहाँ पे टेबल हेडर होगा, ठीक है। दिस इज द टेबल हेडर, ये हो जाएगा इस रो के लिए। और इसके अंदर हमें क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। तो जो पहला कॉलम होगा इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट ID, और उसके बाद जो हमारा दूसरा कॉलम होगा इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम, ठीक है। और इस तरह से हम इसे कर लेते हैं कॉपी। तो ये हो जाएगा क्लास, ये हो गया एड्रेस, ये हो गया आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये चार चीजें हमने यहाँ पे ये दे दी। तो यहाँ पे हमने रो बना लिया, जो पहला जो था रो वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक और यहाँ पे हम रो क्रिएट करेंगे TR, और इस TR को हम दे देते हैं ओके। तो यहाँ पे ठीक है, इसमें हम बनाएंगे एक TD कंट्रोल, और इस TD कंट्रोल को हम यहाँ पे देंगे कॉल स्पैम, तो 3 दे देते हैं, या फिर कितने हैं, 3 नहीं, हम 5 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देंगे 5 ओके। तो ये मैंने दिया 5, और उसके बाद यहाँ पे देंगे क्लास, क्लास का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं इम्पटी डेटा CSS, ये दे दिया हमने। और यहीं पर आपको क्या लिखना है, इसी के अंदर आपको लिखना है SORY, ठीक है, सॉरी नो डेटा फाउंड, इस तरीके का एक मैसेज आपको यूजर को यहाँ पे शो कर देना है, और उसके बाद आपको इसे क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर आपका सब कुछ क्लोज हो गया, और ये तो इस बार अब मैं जब मैं इस पेज को रन कराऊंगा, ये आ गए, और जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सॉरी नो डेटा फाउंड। क्यों? क्योंकि कोई डेटा इस टेबल में है ही नहीं। जब टेबल में कोई डेटा ही नहीं है तो आपको ये डायरेक्टली ये एक मैसेज शो कर देगा। तो यहां पर आपके पास एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट का नाम क्या है, इम्पटी डेटा टेम्पलेट। अगर आपका आपके टेबल में डेटा नहीं है तो उसके केस में आपको क्या करना है, ये आपको ये टेम्पलेट कॉल करना है। आप इसे रन करके देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूजर को एक मैसेज मिल गया कि भाई इस टेबल में कोई डेटा ही नहीं है। तो चलो अगर इस टेबल में मैं कुछ डेटा यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3, दे दिया मैंने एक ID, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं, और यहाँ पे एक एड्रेस दे देते हैं, और मोबाइल नंबर दे देते हैं एक, इसके बाद नंबर 2। तो यहाँ पे हमने 3 रिकॉर्ड इस टेबल में स्टोर कर दिए हैं। और अब मैं इस पेज को करूँगा रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं 3 रिकॉर्ड जो थे वो आपको यहाँ पे देखने को इस तरीके से मिल रहे हैं। तो अगर टेबल में रिकॉर्ड है तो आपको दिखाई देगा, नहीं है तो वो आपको सिंपल सा एक मैसेज दे देगा कि इस टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।